ये एक रिजल्ट है, इसको हमने प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है जिसमें हमें प्रूव दैट कैपा इज इक्वल टू आर डॉट ओ क्रॉस आर डबल डॉट मैग्नीट्यूड ओवर आर डॉट ओवर आर डॉट मैग्नीट्यूड क्यूब, और टा जो है इसको हमने प्रूव करना है आर डॉट आर डबल डॉट और आर ट्रिपल डॉट, और इसको डिवाइड करें जी आर डॉट क्रॉस आर डॉट डबल डॉट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है इसके स्क्वायर से डिवाइड हम करेंगे। टा जो है ये हमारा रिलेशन है, समझे? तो हम इसको प्रूव करते हैं जी। तो देखें जी, प्रूव करने के लिए हम सपोज करते हैं हमारा जो डी आर ओवर डी यू है ये हमारा किसके बराबर है जी, ये आर डॉट के बराबर है। और ये हम उस वक्त ले रहे हैं जब हमारा आर जो है ये डिपेंडेंट है, यू कोई पैरामीटर है उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। तो हम ये आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू जो है ये सपोज करते हैं आर डॉट के बराबर है। तो देखें जी, ये जो डी आर ओवर डी यू है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी आर ओवर डी यू डी एस, डिनोमिनेटर में हम इस पे चेन रूल अप्लाई करें डी एस इंटू डी एस ओवर डी यू इज इक्वल टू। तो देखें डी आर ओवर डी एस जो है ये हमने टी के बराबर प्रूव किया हुआ है, और जो डी एस ओवर डी यू है एस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू हम एस डॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं जी। तो यहाँ से देखें जी, अगर हम डी आर ओवर डी आर ओवर डी यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी किसके बराबर जी आर डॉट मैग्नीट्यूड, या इसको हम इस तरह ले सकते हैं एस डॉट मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा आर डी आर ओवर ये जो है ना हमारा डी ये ऊपर देखें जी डी आर ओवर डी यू जो है ये हमारा आर डॉट के बराबर है, और डी आर ओवर डी यू को हमने टी यूनिट वेक्टर एस के बराबर भी लिखा, तो इसकी मैग्नीट्यूड हमने तो ये हमारे पास एस की मैग्नीट्यूड जो है एस डॉट की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, टी डॉट की मैग्नीट्यूड जो है वन के बराबर हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखें जी, मीन्स के हमारे पास जो डी आर मैग्नीट्यूड ओवर डी यू है इसकी मैग्नीट्यूड, ये जो हमने मैग्नीट्यूड ली है ये किसके बराबर है आर डॉट मैग्नीट्यूड या एस डॉट मैग्नीट्यूड, इसको हम क्वेश्चन वन का नाम देते हैं। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव अब लेंगे तो डी स्केयर आर ओवर डी यू स्केयर इज इक्वल टू आर डबल डॉट इज इक्वल टू डी ओवर डी यू ऑफ डी आर ओवर डी यू के बराबर भी हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो फर्दर देखें जी, ये जो हमारे पास डी ओवर डी यू है और डी आर ओवर डी यू हमने डी हैट एस डॉट के बराबर हमने लिखा था प्रीवियस जो है एक इक्वेशन में, तो इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास सोल्यूशन क्या देगा जी, ये हमें सोल्यूशन देगा जी डी टी हैट ओवर डी यू और साथ जो है एस डॉट स्केयर, नेक्स्ट जो है ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा जी प्लस टी हैट एस डबल डॉट, ये हमें सोल्यूशन देगा यहाँ से। नेक्स्ट जो है इसको हम लिख सकते हैं एस डॉट स्केयर डी टी ओवर डी यू जो है इसको हम लिख सकेंगे किसके बराबर है कैपा एंड यूनिट वेक्टर के प्लस टी हैट एस डबल डॉट, ये हमारी एक दूसरी जो है ये बन गई जी। नेक्स्ट जो है इसका जो थर्ड डेरिवेटिव है वो देखते हैं डी आर डबल डॉट और डी एस डी यू इज इक्वल टू आर डबल डॉट इज इक्वल टू ये हमारे पास टू एस डॉट एस डबल डॉट कैपा एंड यूनिट वेक्टर, तो ये जो हमारे पास पहली वैल्यू है इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। नेक्स्ट आ जाएगा प्लस एस डॉट स्केयर कैपा डॉट एंड यूनिट वेक्टर, और नेक्स्ट है इसके बाद प्लस एस डॉट स्केयर
कैपा डी एन ओवर डी यू प्लस डी टी हैट ओवर डी यू एस डबल डॉट प्लस टी हैट एस डबल डॉट। तो ये हमारा जो है डेरिवेटिव आ गया। नेक्स्ट हम जो है इसमें कुछ वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे। तो देखें आर ट्रिपल डॉट जो है वो हमारा आ जाएगा टू एस डॉट एस डबल डॉट कैपा एन यूनिट वेक्टर प्लस एस डॉट स्केयर कैपा डॉट एन यूनिट वेक्टर प्लस एस डॉट स्केयर कैपा इनटू ये जो डी एन ओवर डी यू था इसकी जगह हम डी एन हैट ओवर डी एस डॉट डी एस ओवर डी यू ये लिखते हैं जी। डी यू चेन रूल अप्लाई किया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट प्लस डी टी हैट ओवर डी एस डॉट डी एस ओवर डी यू यहाँ पे हमने चेन रूल अप्लाई किया। प्लस टी हैट एस ट्रिपल हैट ट्रिपल डॉट जो है ये हमारे पास एक लास्ट वैल्यू थी। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं ये हमारे पास आ जाएगा टू एस डॉट एस डबल डॉट कैपा एन यूनिट वेक्टर प्लस एस डॉट कैपा एन यूनिट वेक्टर प्लस एस डॉट स्केयर कैपा इनटू यहाँ पे ये डॉट भी आएगा तो एस डॉट स्केयर कैपा इंटू टा डी हैट माइनस कैपा टी हैट और एस डॉट जो है ये आपके पास आ जाएगा। ये देखें डी एन हैट ओवर डी एस की जगह जो है हमने ये पुट कर दिया और डी एस ओवर डी यू की जगह हमने एस डॉट लिख दिया। और नेक्स्ट है प्लस डी टी ओवर डी एस जो ये हमारा कैपा एन यूनिट वेक्टर के बराबर होता है इंटू एस एस डबल डॉट तो डी एस ओवर डी यू को हम एस डॉट लिख देंगे प्लस टी एस ट्रिपल डॉट जो है ये हमारे पास वेक्टर्स आ गए जी। तो नेक्स्ट हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा जी टू एस डॉट एस डबल डॉट कैपा एन यूनिट वेक्टर प्लस एस डॉट स्केयर कैपा एन यूनिट वेक्टर प्लस प्लस एस डॉट क्यूब कैपा इनटू टा डी हैट माइनस कैपा टी प्लस कैपा एन यूनिट वेक्टर एस डबल डॉट प्लस टी हैट एस ट्रिपल डॉट ये हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन आ गई जी। अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर्स का जी कौन कौन से जी आर क्रॉस आर डबल डॉट वेक्टर जो है इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी ये आर डॉट जो था वो हमारे पास एस डॉट टी था क्रॉस इसका हम लेंगे किसके साथ जी एस डॉट स्केयर कैपा एन प्लस टी हैट एस डबल डॉट ये हमारे पास दूसरा वेक्टर था आर डबल डॉट तो इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारे पास सोल्यूशन कितना आ जाएगा जी ये देखते हैं जी। टी डॉट टी जो है इसको ज़रा देखिए जी हमारे पास यहाँ से जो सोल्यूशन आएगा वो किसके बराबर जी एस डॉट क्यूब और टी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे वो जीरो के बराबर आ जाएगा और टी का एन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो बी के बराबर आ जाएगा ठीक है। और यहाँ से एस डॉट क्यूब आ जाएगा और कैपा इसके साथ आ जाएगा तो यहाँ से देखें जी हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट ये आर डॉट और आर डबल डॉट पीछे हमने लिखे हुए हैं। देखें जो टी क्रॉस टी होगा ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगा ठीक है और जो टी क्रॉस एन होगा वो बी के बराबर हो जाएगा और देखें एस डॉट एस डॉट स्केयर से मल्टीप्लाई होगा क्यूब और कैपा इसके साथ आ जाएगा और टी क्रॉस एन जो है वो बी के बराबर हो जाएगा। अच्छा तो यहाँ से देखें जी हमने ये रिलेशन फाइंड आउट किया आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट इज इक्वल टू एस डॉट क्यूब कैपा बी ये हमने ये फाइंड आउट किया तो यहाँ से देखें जी हम कैपा बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर
डॉट क्रॉस आर डबल डॉट ओवर एस क्यूब। तो मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ पे लेंगे तो कैपा जो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट मैग्नीट्यूड ओवर एस एस डॉट एस डॉट क्यूब मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से देखिए जी, ये कैपा इज इक्वल टू आएगा आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट मैग्नीट्यूड ओवर आर डॉट क्यूब मैग्नीट्यूड क्यूब। ये ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमने जो है पीछे प्रूव किया था कि आर डॉट जो है हमारा एस डॉट के बराबर जो है वो बनता है, आर डॉट मैग्नीट्यूड जो हमारी एस डॉट मैग्नीट्यूड के बराबर बनती है, ये हमने प्रीवियसली जो है ये प्रूव किया था। तो अब इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो वो देखते हैं जी, टेकिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, टेकिंग ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट हम इसका लेंगे तो हमारे पास जो है क्या सोल्यूशन आता है जी, उसको देखते हैं। ट्रिपल प्रोडक्ट जो है आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट इज इक्वल टू, ये जो वेक्टर्स थे हम उनको लिखते हैं। तो एक टी हैट एस डॉट था, फिर नेक्स्ट क्या था एस डॉट स्केयर कैपा एंड यूनिट वेक्टर प्लस टी हैट एस डबल डॉट, और थर्ड जो था वो हमारा क्या था जी, थर्ड है जी टू एस डॉट एस डबल डॉट कैपा एंड यूनिट वेक्टर कैपा एंड यूनिट वेक्टर, और बाकी वैल्यूज को मैं नीचे लिख रहा हूँ जी, प्लस 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 एस डॉट स्केयर कैपा डॉट एन यूनिट वेक्टर प्लस एस डॉट क्यूब के टॉप टी माइनस कैपा टी प्लस के कैपा एन यूनिट वेक्टर एस डॉट एस डबल डॉट प्लस टी हैड एस ट्रिपल डॉट। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, कैलकुलेट करने के बाद जो है हमें इसका सोल्यूशन मिलता है जी, एस डॉट सिक्स कैपा स्केयर टा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम करेंगे तो हमारे पास ये सोल्यूशन आएगा, टा इज इक्वल टू आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट, और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा जी एस डॉट सिक्स और कैपा स्केयर। तो यहाँ से देखें जी, ये आ जाएगा जी टा इज इक्वल टू आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट, और इसके डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे कैपा स्केयर, कैपा की वैल्यू जो है हमने ये एस डॉट सिक्स एज इट इज आ जाएगा, और कैपा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट स्केयर, और डिनोमिनेटर में था जी एस डॉट क्यूब मैग्नीट्यूड के साथ था, तो इसकी ये पावर सिक्स हो जाएगी। तो यहाँ से देखें ये मैग्नीट्यूड है, ये आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा वो बन जाएगा जी टा इज इक्वल टू आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट ओवर आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट मैग्नीट्यूड स्केयर। तो ये हमारे पास जो है फार्मूला जनरेट हो गया। तो नेक्स्ट हम जो है एक फार्मूला जो है वो यूज़ करके उसको उस एक एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में देखें जी क्या करना है हमें, ये कैलकुलेट करना है हमें कि ये जो टा है कैपा और
का हमने कैलकुलेट करना है। इसमें एक्स हमारे पास किसके बराबर है जी, एक्स हमारा है जी एक्स इज इक्वल टू यू, वाई इज इक्वल टू हमारा है यू स्क्वायर एंड जेड जो है ये हमारा है यू पावर थ्री। तो इसका सलूशन देखते हैं जी। सलूशन में देखें ये फर्ज कर लेते हैं हम कि आर हमारा वेक्टर है ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है। तो इसमें देखें जी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या बोला, आर इज इक्वल टू यू आई प्लस यू स्क्वायर जे प्लस यू क्यूब के। नेक्स्ट इसके डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते हैं हम, तो आर डॉट जो है ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये वन के बराबर। और नेक्स्ट जो है ये इस तरह से लिखने चलें, आर हमारा जो है ये बेसिकली ये था, ये आर हमारा वेक्टर कंपोनेंट्स की फॉर्म में से यू ये ऐसे लिख लेते हैं जी। आर वेक्टर जो है हमारा ऐसे भी लिखा जा सकता है यू यू स्क्वायर एंड यू क्यूब। तो नेक्स्ट जो है हम इसके लेते हैं डेरिवेटिव, आर डॉट इज इक्वल टू वन, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू जो है वो वन के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट यू यू स्क्वायर का डेरिवेटिव टू यू हो जाएगा और टू यू, और यू क्यूब का डेरिवेटिव जो है थ्री यू स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और आर डबल डॉट है वो हमारे पास किसके बराबर है, जीरो टू सिक्स यू, और आर थ्री जो है थर्ड डेरिवेटिव का आर ट्रिपल डॉट जो है इसका आंसर आ जाएगा जीरो जीरो एंड सिक्स। तो ये हमारे पास जो है वेक्टर्स हैं। अब हम जो है कैपा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं जी, और हम जो है इसके बाद जो है टा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कैपा का हमने फार्मूला ये पढ़ा था, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट मैग्नीट्यूड ओवर आर डॉट मैग्नीट्यूड क्यूब के बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो ये कैलकुलेट करते हैं आई जे के, यूनिट वेक्टर आ गया, आर वेक्टर जो हमारे पास था वन टू यू और थ्री यू स्केयर के, और नेक्स्ट जीरो टू सिक्स यू ये था। तो इससे जो हमारे पास वेक्टर आएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद, तो मैं वो डायरेक्ट वेक्टर लिख रहा हूँ जी, वो हमारे पास आता है जी सिक्स यू स्केयर का यूनिट वेक्टर माइनस सिक्स यू जे प्लस टू टू ए, ये हमारे पास आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट वेक्टर आ गया जी। तो अब हम इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये आपके पास आ जाएगा जी सिक्स यू स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस माइनस सिक्स यू होल स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है मैग्नीट्यूड आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा थर्टी सिक्स यू फोर प्लस थर्टी सिक्स यू स्क्वायर प्लस फोर अंडर रूट। और नेक्स्ट जो है हमने आर डॉट मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करनी है, तो आर डॉट मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, आर डॉट मैग्नीट्यूड वो हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट वन स्क्वायर प्लस टू यू स्क्वायर प्लस थ्री यू स्क्वायर और इसके ऊपर होल स्क्वायर। तो इसका सलूशन जो है आर डॉट क्यूब का जो सलूशन है वो हमारे पास आ जाएगा वन प्लस फोर यू स्क्वायर प्लस नाइन यू फोर। तो ये हमारे पास आ जाएगा सलूशन। और आर डॉट पावर मैग्नीट्यूड पावर थ्री जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वन प्लस यू फोर यू स्क्वायर प्लस नाइन यू फोर, और इस सारे की पावर जो है वो थ्री ओवर टू हो जाएगी। तो देखिए हमने ये जो वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं वो पुट करते हैं इसमें कैपा में, कैपा का सोल्यूशन क्या आ जाएगा, थर्टी सिक्स स्क्वायर रूट थर्टी सिक्स यू पावर फोर प्लस थर्टी सिक्स यू स्क्वायर प्लस फोर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा जी नाइन यू पावर फोर प्लस फोर यू स्क्वायर प्लस वन, और इसकी पावर जो है वो थ्री ओवर टू हो जाएगी। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया जी किसका जी,
कैपा का। तो अब टाक फार्मूला लिखते हैं जी। टाक फार्मूला हमारे पास है जी आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट, और डिनोमिनेटर में जो है हमारे पास क्या आ जाएगा जी आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट मैग्नीट्यूड स्केयर। तो अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं जी आर डॉट तो देखें आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट, तो इसके हम सॉल्यूशन जो है आर डबल डॉट का आर आर डॉट आर ट्रिपल डॉट का इसका हम सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इसको हम इसे डिटर्मिनेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं। आर वेक्टर हमारा था ये 1, 2, u, 3u स्केयर इसके कंपोनेंट्स लिखते हैं। नेक्स्ट हम 0 दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखते हैं 2, 6u, और थर्ड जो है 0, 0, 6 ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाए। तो इसका टोटल सोल्यूशन जब हम कैलकुलेट करेंगे ये हमारे पास 12 के बराबर आ जाता है। तो अब हम जो है नेक्स्ट जो है सोल्यूशन इसका लिखते हैं जी, तो वो कितना आता है जी, और इसमें हमने आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट की मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट की हुई है, तो उसका हमने स्केयर पुट करना है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा जी। देखिए जी टा जो ये हमारे पास आ जाएगा जी, इस फार्मूले में जो है पुट करेंगे आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट जो है इसमें हम पुट करेंगे वैल्यूज, तो हमारे पास आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट मैग्नीट्यूड स्केयर जो है ये किसके बराबर आ जाएगा जी, ये ऊपर जो आंसर लिया हमने 12 के बराबर लिए, नीचे आर अपना आंसर 36u4, ये आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट का सोल्यूशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले। तो ये 36u स्केयर आ जाएगा और प्लस 4 इसके ऊपर अंडर रूट। अच्छा तो अंडर रूट भी हमने इसका कर दिया, तो अंडर रूट के बाद जो इसका स्केयर भी हमें करना है, तो स्केयर जो है अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो सोल्यूशन है वो कितना आ जाएगा जी, टा का टा इज इक्वल टू 12 पावर ये बन जाएगा जी 36u पावर 4 प्लस 36u पावर 2 प्लस 4, ये हमारे पास टा का सोल्यूशन आ गई। एग्जाम्पल हमने कैलकुलेट कर लीजिए।